हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने लर्न किया था, लेकिन ये टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीडियम के अंदर उसी मीडियम में रेज आएगी, टकरा के उसी मीडियम में वापस आएगी, राइट। तो हम उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम टाइटल लगा के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फ्रेंड्स यहां हम डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। मान लो ये हमारा एक ग्लास मीडियम है, आप हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम, राइट। तो इट इज अ डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। यहाँ पे मान लेते हैं रेरर मीडियम, और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ये हम एक फर्स्ट वाली रे लेते हैं जो कि नॉर्मल रे। हमारी नॉर्मल रे बिल्कुल डेविएट नहीं होती, स्ट्रेट जाती है। हमने सीखा था रिफ्रैक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में भी I0 बनता है, RB0 बनता है। अब अगर ये हमारा ए दैट इज अ सोर्स ऑफ रेज, ए से हमारी बहुत सारी रेज निकल रही है, अब यहां से हमारी रेज कोलाइड करेगी इस पॉइंट के ऊपर, राइट। तो या ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब फ्रेंड्स हमारी रे गई ए और O1 पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है। O1 इज द टू सेपरेटिंग मीडिया पॉइंट, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम को सेपरेट करने वाला पॉइंट हमारा O1 है। तो रे हमारी डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, राइट। अगर रे हमारी डेंसर से रेरर जा रही है तो क्या होगा, मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो हमारी रे इस तरफ जाएगी, राइट। तो ये ए O1, इसको हम बी ले लेते हैं, बी। अब फ्रेंड्स O1 पॉइंट पे रे हमारी आउटसाइड भी जाएगी बाहर की तरफ, ओके, और अंदर की तरफ भी आएगी थोड़ी सी रे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। और जो रे हमारी बाहर की तरफ गई उसको हम बोलेंगे पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, राइट। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, ये पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट रे लेते हैं, इसको हम ए O1 पे स्ट्राइक करी, O1 से बी गई, O1 से सी भी गई, राइट। थोड़ा पार्ट ग्लास के बाहर निकल गया तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन, और थोड़ा पार्ट सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करा तो उसको बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर रे हमारी वापस सेम मीडियम में आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन। तो ये चीज आपको पता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े आगे और जब हमारी रे जाएगी और टकराएगी O2 पॉइंट पे, AO2, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रहेगा इस तरह से, इज अ नॉर्मल पॉइंट, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो रे का यहाँ पे हमने एंगल क्या करा, चेंज करा, राइट। यहाँ पे मान लो आई एंगल है, यहाँ पे आई डैश एंगल है, तो और हमारी ज्यादा रे रिफ्लेक्ट करेगी, रे का रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे जितना एंगल इंक्रीज करेंगे, राइट, उतना हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन यहाँ पे और ज्यादा रे रिफ्रैक्ट करेगी, ओके, रे हमारी और ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे और एंगल इंक्रीज करते हैं, उसके बाद वाली रेज स्ट्राइक करेगी O3 पॉइंट के ऊपर। तो O3 पॉइंट के ऊपर, इसको मैं लाइन को मिटा देता हूं, O3 पॉइंट के ऊपर जब हमारी रे स्ट्राइक करेगी तो वो रे अब हमारी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पे जाएगी, वो रे हमारी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पे जाएगी, राइट।
इस तरह से, तब यहां जो हमारा नॉर्मल बनेगा, तब यहां जो हमारा नॉर्मल बनेगा तो रे के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट? आपको दिख रहा होगा रे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और यहां पे तब जो हमारा एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। जब हमारी रे दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पर ट्रेवल करेगी, तब जो बाहर का जो एंगल बन रहा होगा, यानी कि नॉर्मल के साथ जो रे का एंगल बन रहा होगा, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंगल, और वो 90 डिग्री बनेगा। जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तब अंदर जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसको यहां पे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और जो रे ट्रेवल कर रहा है दैट इज क्रिटिकल रे, उस रे को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रे बोलेंगे, क्रिटिकल रे। तो रे, ये रे हमारा क्रिटिकल रे है, और ये एंगल जो बना दैट इज क्रिटिकल एंगल, राइट? अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो नेक्स्ट रे होगा हमारा, ए से चलेगा, यहां पे स्ट्राइक करेगा, ये हम नॉर्मल बना देते हैं, यहां पे भी इट इज नॉर्मल। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा रे अब वापस स्ट्राइक कर रहा है O4 पॉइंट के ऊपर, O4 पॉइंट के ऊपर, AO4, तो वहां का जो एंगल होगा दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। आई शुड बी, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी तो हमारा रे वापस उसी मीडियम में आएगा। अब ये जो रे रिफ्लेक्ट करेगा वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? यहां से हमारा रे चला ए पॉइंट से, राइट, O4 पॉइंट पे स्ट्राइक करा, और वापस हमारा रे सेम मीडियम में बैक आ रहा है, सेम मीडियम में, राइट? हमारा जो रे होगा वो सेम मीडियम में बैक आएगा। तो यहां पे जो फिनोमिना बन रहा है उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो रे है वो बाहर नहीं गया, राइट? बिल्कुल भी, सारे के सारे रे वापस अंदर ही आ रहे हैं। अब रे हमारा गया, टकराया, और उसी मीडियम में लौट के वापस आया, राइट? तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारे के सारे रेज हमारे वापस उसी मीडियम में डेविएट कर रहे हैं, यहां पे रिफ्लेक्ट करके वापस इस तरफ आ रहे हैं, राइट? तो इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले पार्शियल हो रहा था, अब जितने भी रेज आएंगे वो सारे के सारे आएंगे, तो उसकी कंडीशन आएगी आई दैट शुड बी ग्रेटर देन आई सी, राइट? ये हमारा इंसिडेंट होने वाला जो एंगल है वो पहले वाला एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया, अगर बोर्ड में आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन इस तरह से देना है, ए दैट इज अ सोर्स पॉइंट, ए ओ वन व्हेन स्ट्राइक एट अ ओ वन पॉइंट, देन सम पार्ट ऑफ ओ वन बी दैट इज पार्शियल रिफ्रेक्शन, एंड सम पार्ट दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज ओ वन सी दैट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, इसी तरह से होता रहेगा। ओ वन पॉइंट पे हमारी रे दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन पे ट्रेवल करेगी, उसके बाद वाली जो रे है ए ओ फोर वो वापस उसी मीडियम में बैक आएगी, तो उसी को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे इसका, कि फॉर्मूला किस तरह से बनेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, ओ थ्री पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ओ थ्री पॉइंट, राइट? ओ थ्री पॉइंट पे हमारा स्नेल्स लॉ बनेगा, क्या बनेगा? एन वन साइन आई सी, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो क्या आता है, जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, तो एन वन साइन आई सी दैट इज इक्वल टू एन टू साइन 90, एन टू साइन 90। अब एन वन साइन आई सी एन टू साइन 90 हमारा वन हो जाएगा, ये एन वन नीचे आ जाएगा, तो साइन आई सी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन को हम बोलेंगे एन टू वन, दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, राइट? इस तरह से बन जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं ये एन टू को नीचे ले आता हूं, साइन आई सी इज इक्वल टू एन टू को हम
डिनोमेटर के डिनोमेटर में ले आएंगे तो इसको बोल सकते हैं एन वन टू। तो साइन आई सी हमारा यहां मिल जाएगा वन अपन एन वन टू, राइट, इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया वेयर एन वन टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, राइट। एन वन टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इस तरह से हमारा बनेगा ये। अब यहां पे फ्रेंड्स क्या होगा कि मान लो बाहर हमारी एयर है तो एन टू को मैं वन ले लूंगा, तो वन और एन वन को हम एन ले लेते हैं, तो साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपन एन, ये हमारा फॉर्मूला आएगा वेर आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आई सी हमारा क्या रहा होगा, क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे हमारा रिलेशन आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल बहुत ही स्मॉल बनेगा, दोनों किस तरह के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए। जितना हमारा यहाँ पे एन ज्यादा रहेगा वहां पे हमारा एंगल कैसा रहेगा, स्मॉल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, इस तरह से रहेगा। अब अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि डायमंड के लिए एन काफी ज्यादा रहता है तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल भी सबसे लो आता है 24.12 या 24. समथिंग डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायमंड के अंदर एक बार रे एंटर करी तो दैट परफॉर्म मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, क्रिटिकल एंगल छोटा होने की वजह से रे जल्दी बाहर निकल नहीं सकता, तो डायमंड हमें स्पार्क करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका रीजन है उसका क्रिटिकल एंगल, राइट, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लर्न करा। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताता हूं कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है, राइट, टी आई आर की दो कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा। फर्स्ट, आउटर मीडियम शुड बी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे एन टू ग्रेटर देन एन वन है वेर एन टू एयर मीडियम, बाहर का मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होना चाहिए कंपलसरी, राइट, क्योंकि अगर हाइयर होगा तो रे हमारी टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी तो रे इधर आ ही नहीं पाएगी, राइट, सिंपल सी बात। तो बाहर का मीडियम ऑलवेज हमारा रेरर मीडियम होना चाहिए, हल्का मीडियम होना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि ये एंगल जो बन रहा है आईसी के बाद वाला, आईसी के बाद वाला एंगल आईसी से बड़ा होना चाहिए, तो आई शुड बी ग्रेटर देन आईसी। अगर ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है तो ही यहाँ पे हमारा रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही हमारा रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, राइट, जिसका यूज हम ऑप्टिकल फाइबर में भी देख सकते हैं या मिराज इफेक्ट में भी देख सकते हैं। तो यहां हम थोड़ी हल्की सी डिस्कशन करेंगे मिराज इफेक्ट की और ऑप्टिकल फाइबर की, तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम यहां पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहां पे हम दो एप्लीकेशन देखते हैं, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लर्न करा, तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले हम बात करेंगे यहां पे ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से आता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास से बना होता है, हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास जिसको हम क्वार्ट्स ग्लास भी बोल सकते हैं, उसका बना होता है, राइट। फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, ऑडियो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इट ट्रांसमिट ऑडियो
एंड वीडियो सिग्नल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर वो दो फेज में बना होता है, पहला होता है उसका कोर पार्ट, दूसरा होता है क्लैडिंग मटेरियल। तो ये जो है वो कोर है, कोर राइट, और ये यहां पे जो है दैट इज क्लैडिंग। क्लैडिंग क्लैडिंग को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, बिकॉज क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होना चाहिए, इसका एन लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका यहां पे एन रहेगा हाइयर, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पता है कि जब भी हमारा रे मोर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट करेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसकी बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बाहर का मीडियम लोअर होना चाहिए। अब मान लो हमने जमीन में से पास करा उसको ग्राउंड में से, तो धूल मिट्टी बाहर आ गई तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा होता है, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रे एंटर करेगा, अगर उसको यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करना है राइट, तो यहाँ पे उसको इस तरह से इंसिडेंट होना पड़ेगा कि ये एंगल जो है वो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बने। अगर ये कंडीशन हमने अचीव कर ली तो हमारा रे मल्टीपल टाइम क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, और वन एंड से जब एंटर करेगा वो दूसरे एंड में बिना ज्यादा इंटेंसिटी लॉस करे, बिना इंफॉर्मेशन लॉस करे बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम ऑडियो और वीडियो सिग्नल को एक जगह से, एक सिरे से दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस के सिरे तक भेज सकते हैं उसको राइट। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर काफी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप डायरेक्टली वायरलेस कम्युनिकेशन करो तो उसमें इंटरप्शन आने का चांसेस है, लेकिन इसमें सारी इंफॉर्मेशन लाइट के थ्रू यहां से जाती है राइट, बहुत ही स्पीड में, क्योंकि यहां पे अंदर क्या होगा, मल्टीपल टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शंस परफॉर्म करेगा राइट। तो ये इसका बेसिक पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर का जो एन है वो हायर है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और क्लैडिंग का जो एन है दैट इज अ लोअर है राइट। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करके ये वर्क करेगा। ओके, लाइट परफॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स। तो ये आपको आइडिया आया। अब फ्रेंड्स इसका यूज क्या होता है, तो मेडिकल साइंस में बहुत ही ज्यादा यूज है इसका। हम यहाँ पे कम्युनिकेशन में तो यूज ले सकते हैं ऑडियो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए राइट, ट्रांसड्यूसर्स के जरिए। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो हमारे इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ कोई सिस्ट बन गई है, तो बाहर से तो वो एग्जामिन होगी नहीं, तो एक लाइट पाइप अंदर डाली जाती है राइट, उसमें कैमरा डाला जाता है। तो उसमें उसके थ्रू क्या होता है कि लाइट को पास करके हम क्या कर सकते हैं, लाइट को पास करके अंदर का इनर पार्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखता है पूरा राइट। तो उसमें उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसका अंदरूनी पार्ट राइट, इंटरनल पार्ट स्टडी करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं राइट। और इसके और भी यूज हैं कि हमारी फ्लावर पॉट आती है, तो फ्लावर पॉट में आपने देखा होगा कि इस तरह से वायर रहते हैं और डायरेक्टली आपको यहाँ पे लाइट स्पार्क होती हुई दिखती है राइट। तो वो भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स ही रहते हैं जिसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे एलईडी लगी रहती होती है जहाँ हमें लाइट दिखती है। तो इस तरह से बहुत मल्टीपल यूज हम ऑप्टिकल फाइबर के कर सकते हैं। तो उसमें प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स आपने सुना होगा मिराज इफेक्ट, ओके, तो दूसरा यूज हम यहाँ पे उसका पढ़ते हैं, मिराज इफेक्ट। हॉट समर डेज में आपको मिराज इफेक्ट दिखता है। तो उसमें यूं होता है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पेड़ है राइट, ये वाला पेड़ है। अब होगा क्या कि हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ओके, तो हमें क्या होता है, पेड़ यहाँ पे दिखता है राइट,
हमें ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ यहाँ पे कहीं पे रेज यहीं यहीं से आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है? तो जब धूप बहुत ज़्यादा गिरती है तो ग्राउंड के कांटेक्ट में होने वाली एयर काफ़ी ज़्यादा तपती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, तो ग्राउंड के कांटेक्ट वाली एयर लोअर डेंसिटी रहती है, लोअर डेंसिटी। अब डेंसिटी लोअर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लोअर ही होगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाइयर टेम्परेचर, और फ्रेंड्स जो ऊपर की एयर होती है राइट, उसकी हाइयर डेंसिटी रहती है, हाइयर डेंसिटी। अब डेंसिटी हाइयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाइयर, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हायर राइट, लोअर टेम्परेचर। अब फ्रेंड्स हमारी रेज यहां से निकल रही है, यहां पे मान लो इस तरह से लेयर होंगे, तो यहां से रे हमारी आई, ये हमारा नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल दूर जाएगी इस तरह से राइट। हमारा रे जब भी टेंसर टू ररर आता है, टेंसर टू रहता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो अवे यहाँ पे जाने की वजह से क्या होगा, इस तरह से अवे जाएगा, अवे जाएगा इस तरह से, टोटल इंटरफेरेंस करके दिखेगा यहाँ पे। तो इस बंदू को ऐसा लग रहा होगा कि रे कहीं यहीं से आ रहा है राइट, डायग्राम प्रॉपर नहीं बना, आप देख लेना यहाँ से रे कहीं से आ रहा है ऐसा लगेगा। रे एक्चुअली हमारा यहाँ से आया, टोटल इंटरनल परफॉर्म करा और फिर आई में एंटर कर रहा है, लेकिन देखने वाले के बंदे को यूं लगेगा कि जो रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है, इसीलिए उसको जो इमेज है मतलब उसको ऐसा लगेगा कि पेड़ यहाँ पे है राइट, लेकिन पेड़ कहीं और जगह पे है राइट। तो आप जब हाईवे पे ट्रैवल करते हो समर डेज में तो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी गिरा है, लेकिन वो पानी एक्चुअल में होता नहीं है, वो रे कहीं से और से रिफ्लेक्शन होके आ रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके आ रही है और आपको वहाँ पे उसकी इमेज दिख रही है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये था हमारा मिरर इफेक्ट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और उसी तरह से इक्विवेलेंटली जेडब्ल्यू मेन के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे जेडब्ल्यू सॉरी नीट 2023 का क्वेश्चन। इसमें ऐसा बोला गया है कि लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस एक्स इन टी1 टाइम इन एयर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम राइट। तो यहाँ पे स्पीड एयर में है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे, तो इसको हम बोल देंगे सी इज इक्वल टू एक्स अपन t1। उसके बाद टेन एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t2 इन अनदर टेंसर मीडियम, तो उसके लिए स्पीड रहेगी हमारी टेन एक्स बाई t2, उसको हम v मान लेते हैं, तो v इज इक्वल टू टेन एक्स बाई t2 ये आ गई राइट। वॉट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, उस मीडियम को लिए क्रिटिकल एंगल क्या आना चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू सी बाई वी। पहले हम एन निकाल लेते हैं, तो सी हमारा क्या है एक्स बाई t1 होल डिवाइड बाई वी, हमारा क्या है टेन एक्स बाई t2। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, t2 ऊपर t1 नीचे, तो एन इज इक्वल टू t2 अपॉन टेन t1 राइट, हमें मिल गया एन। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि क्रिटिकल एंगल साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n आता है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, साइन आई सी इज इक्वल टू n की जगह हम रखेंगे t2 अपॉन टेन t1, टेन t1 ऊपर आ जाएगा, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टेन t1 अपॉन t2, तो हमारा आंसर आएगा टेन t1 अपॉन t2, ये सी सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्चुअली करोगे फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ईजी है राइट। अब देखो हम नीट 2022 का एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पे बोला गया है कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोस मीडिया आर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉर दिस टू मीडिया आर। तो हमें पता है कि साइन आई सी हमारा आता है n2 अपॉन n1 राइट, तो यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा p1 अपन v2 राइट।
वन अपन वी टू आएगा। तो वी वन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 1.5 × 10⁸, और वी टू की वैल्यू है 2 × 10⁸। ये मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ में कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ एन टू अपन एन वन, तो यहाँ वी वन अपन वी टू, ओके। तो 1.5 ये 10⁸ कैंसिल, साइन आई सी इज इक्वल टू 15/20/3 × 5 = 3/4, यानी 0.75 आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.75। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया ए, राइट। तो फ्रेंड्स ये वाला करते हैं, JEE 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें में बोला गया है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी 3 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 4/3, देन दिस वेवलेंथ विल बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए हमें यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो हमारा पहले तो आना जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये हमने डिराइव करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, पता है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू की 3 है, रिलेटिव परमिटिविटी परमिबिलिटी 4/3 है, तो 4/3 × 3 कैंसिल, तो एन रूट 4 का जाएगा 2। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू 1/N 2, 1/2 को भी आ जाता है जब 30 एंगल हो, तो साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 30, यानी आई सी इज इक्वल टू 30, यानी यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा 30, राइट। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया। फ्रेंड्स हम और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स अब हमें करना है नीट 2020 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन, उसमें बोला गया है कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, मीडियम में जब ट्रेवल करेगा रे हमारा, तो वहां पे वेलोसिटी क्या आएगी वो हमें निकालनी है। तो हमारा क्रिटिकल का फॉर्मूला है साइन आई इज इक्वल टू 1/N, और N का फॉर्मूला क्या है, सी अपन वी, वी हमारा जाएगा ऊपर, और आई सी हमें 45 बता रखा है, 45 वी बाई सी। अगर हम यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 इज इक्वल टू वी अपन 3 × 10⁸, ये पूरा हम ऊपर ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 × 10⁸ अपन रूट टू, तो हमारा आंसर आ गया 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आंसर सी, सॉरी बी आएगा बी, राइट। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन 2023 में पूछा गया, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ डेंसर रेरर इंटरफेस इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल हमारा है 45 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज, इसी तरह से डेंसर मीडियम में स्पीड फाइंड करनी है, सेम चीज हमारी, तो यहाँ तक तो हमारा सेम आ जाएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू वी बाई सी, साइन 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे वी हमें निकालना है उसी तरह से 3 × 10⁸, ये 1/√2 3 ऊपर, राइट, 10⁸ इज इक्वल टू वी, अब 3/√2 हमारा आएगा 2.12, राइट। तो क्योंकि 3 1.71, तो आप ही देखो कितना आएगा, बट ऑब्वियसली 2.12 आएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ गया हमारा बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करते हैं जो 3 एग्जाम में पूछा गया है, JEE मेन 2021, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1996 और IIT 1983, ओके। इसमें में बोला गया कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिस्पेक्टिवली आर एंड आर डैश, राइट, देन द क्रिटिकल एंगल विल बी, हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिवली दिया है आर और आर डैश, तो यहां पे ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, और ये हमें 90 डिग्री बता रखे हैं, तो यहां पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन आई सी, देखो पहले तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो क्या आएगा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर डैश। अब साइन आई
अपॉन साइन आर डैश को हम नीचे ले आते हैं इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन। अब एन टू अपॉन एन वन को हम ले लेंगे साइन आई सी, राइट साइन आई सी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आर डैश क्या आएगा, ये 90 में से आप आर माइनस करोगे तो साइन आई इज इक्वल टू 90, उसमें से आर माइनस कर दो, राइट ये पूरा 90 बन रहा है उसमें से आर माइनस करो तो कितना आएगा साइन आई सी 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर क्या हो जाएगा कॉस आर, तो साइन आर साइन आई अपॉन कॉस, और साइन 90 माइनस आर को हम लिख देंगे कॉस आर, आई इज इक्वल टू आर है तो आई इज इक्वल टू साइन आई सी, साइन आई अपन कॉस आई टेन आई, टेन आई इज इक्वल टू साइन आई सी, तो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन आई सी, टेन इनवर्स ऑफ साइन आई सी, तो हमें मिल गया आंसर ये, राइट तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेडब्ल्यू एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के, राइट नीट में भी आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस टॉपिक की, राइट तो अपना माइंड सेट रखिए पॉजिटिव और करते रहिए प्रिपरेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।